तो कहानी की शुरुआत क्लेयर नाम की लड़की को दिखाते हुए होती है। क्लेयर एक 17 साल की टीनेजर है। वो इस घर में अपने डॉग मैक्स और अपने डैड जोनाथन के साथ रहती है, जो उसे बहुत प्यार करते हैं और उसकी हर एक जिद को पूरा करते हैं, क्योंकि क्लेयर की मॉम अब इस दुनिया में नहीं रही। उन्होंने क्लेयर के बचपन में ही खुद को फांसी लगा ली, लेकिन उस वक्त क्लेयर बहुत छोटी बच्ची थी, जिस वजह से ये बात उसके दिमाग में एक सदमे की तरह बैठ गई और उस दिन के बारे में उसे बहुत बुरे सपने भी आते रहते हैं। एक तरह से उसके मॉम की ये बात उसके लिए एक मेंटल ट्रॉमा बन चुकी है, क्योंकि किसी को नहीं पता कि उनका ऐसा करने के पीछे क्या रीजन था। हालांकि उस दिन के बाद से उसके डैड के अलावा उसकी पड़ोसन मिसेस टेलुगा भी उसका बहुत ध्यान रखती है। वो उसे बहुत पसंद भी करती है। इनके अलावा उसके एक अंकल ऑगस्ट भी है, जो बहुत रिच है, लेकिन किसी रीजन से उसके डैड उनसे बात नहीं करते। आज क्लेयर जब उन्हें पेपर देने जा रही होती है, तब एक कार स्पीड से गुजरती है, जिसकी वजह से क्लेयर का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो साइकिल से गिर जाती है। यहाँ पर उसे चोट भी लगती है, लेकिन जो कार अभी स्पीड में गई है वो उसके क्लासमेट्स ही चला रहे थे, जिन्हें क्लेयर बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, क्योंकि वो उसे बहुत परेशान करते रहते हैं। स्कूल में आने पर क्लेयर देखती है कि उसके डैड सामने पड़े कंटेनर में कुछ ढूंढ रहे हैं। ये बात क्लेयर को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इसीलिए वो उनके पास जाकर उन्हें डांटने लगती है और उन्हें यहाँ से जाने को भी कहती है। हालांकि पुराने कबाड़ और इलेक्ट्रॉनिक्स का वेस्ट जमा करना ये उनका काम होता है, पर अपनी बेटी की खुशी के लिए वो यहाँ से चले जाते हैं। वही स्कूल में क्लेयर की सिर्फ दो ही फ्रेंड्स होती है, जून और मेरेडिथ। वो अपना ज्यादातर टाइम इनके ही साथ स्पेंड करती है। ये तीनों मिलकर स्कूल में एक बैनर लगा रहे होते हैं, लेकिन तभी डार्सी नाम की लड़की इनके बैनर पर कोल्ड ड्रिंक फेंक देती है और क्लेयर के डैड के बारे में उसका मजाक उड़ाकर यहाँ से चली जाती है। लेकिन क्लेयर इस बात को इग्नोर करना ही अच्छा समझती है, क्योंकि ऐसा उसके साथ हर रोज ही होता है। खैर, अब लंच के टाइम क्लेयर अपने दोस्तों के साथ बैठी होती है, तभी वहाँ पर डार्सी आती है और क्लेयर का फिर से मजाक उड़ाने लगती है। डार्सी क्लेयर के डैड के बारे में भी उल्टी सीधी बातें करती है, जिससे क्लेयर को भी अब बहुत गुस्सा आता है और वो भी डार्सी को दो चार बातें सुना देती है। और देखते ही देखते इनकी बातों की फाइट हाथापाई में बदल जाती है, जिसका पूरा स्कूल मजे लेता है और सभी इन्हें रोकने की बजाय अपने अपने मोबाइल में शूट कर लेते हैं। वहीं दूसरी ओर हम क्लेयर के डैड को देखते हैं, जिन्हें कबाड़ में एक एंटिक बॉक्स मिलता है, जिस पर चाइनीज भाषा में कुछ लिखा हुआ होता है जो वो समझ नहीं पाते, मगर वो ये बॉक्स अपने पास रख लेते हैं क्लेयर को देने के लिए। उन्हें लगता है कि ये बॉक्स क्लेयर को जरूर पसंद आएगा, क्योंकि क्लेयर अपने स्कूल में चाइनीज भाषा सीख रही थी। और इसके बाद जब क्लेयर स्कूल से घर वापस आती है, तो उसके डैड उसे उस बॉक्स के बारे में बताते हैं, जो उन्होंने उसके रूम में रखा है। लेकिन क्लेयर का मूड यहाँ पर थोड़ा खराब होता है, इसलिए वो उन्हें थैंक्स भी नहीं कहती, उल्टा उसके रूम में जाने के लिए उन्हें डांटने लगती है और यहाँ से अंदर चली जाती है। क्लेयर जब उस बॉक्स को देखती है, तो उसे वो कुछ खास पसंद नहीं आता, उसे वो खोल भी नहीं पाती, मगर वो बॉक्स पर लिखी एक दो लाइन समझ जाती है। बॉक्स पर लिखा होता है कि जिसके भी पास ये बॉक्स होगा, उसकी 7 विशेष ये बॉक्स पूरी करेगा। मगर क्लेयर इन सब बातों पर यकीन नहीं करती, इसलिए वो बॉक्स को साइड में रख देती है। लेकिन जब वो अपना सोशल मीडिया चेक करती है, तो वो देखती है कि डार्सी ने उनकी स्कूल फाइट का वीडियो ऑनलाइन पोस्ट कर दिया है। यही नहीं, उसने क्लेयर के डैड के बारे में भी गलत सलत बातें पोस्ट करी होती है, जिससे क्लेयर को बहुत बुरा लगता है और उसका मन बहुत उदास हो जाता है। तभी क्लेयर की नजर उस बॉक्स पर पड़ती है और ऐसे ही मजाक में वो उस बॉक्स से एक विश मांगती है कि डार्सी की स्किन जलकर सड़ जाए। अब ये बात उसने ऐसे ही गुस्से में कही होती है, जिससे उसका मन हल्का हो जाता है और वो सारी बातें भुलाकर सो जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि जब क्लेयर गहरी नींद में सो रही होती है, तब वो बॉक्स अचानक से खुल जाता है और उसमें से एक म्यूजिक भी बजने लगता है। इसके कुछ ही टाइम बाद वो बॉक्स अपने आप ही बंद हो जाता है। अब इसके बाद अगले दिन क्लेयर को स्कूल में आने के बाद डार्सी के बारे में पता चलता है कि उसे नेक्रोटाइजिंग फैसिटिस नाम की एक बीमारी हुई है, जिससे उसकी पूरी स्किन जलकर सड़ने लगी है, इसीलिए उसे आईसीयू में एडमिट किया गया है। ये बात सुनकर क्लेयर थोड़ी हैरान और परेशान हो जाती है। एक पल को उसे लगता है कि क्या ये उसकी विश की वजह से हुआ है।
वहीं बाकी लोग डार्सी की इस हालत के लिए उसे ही जिम्मेदार मान रहे थे। उनका कहना था कि जैसी करनी वैसी भरनी, क्योंकि डार्सी स्कूल में ज्यादातर बच्चों के साथ अच्छा बिहेव नहीं करती थी। स्कूल के बाद क्लेयर घर वापस आती है। वो फिर से उस बॉक्स को देखने लगती है। उसे अब वो बॉक्स थोड़ा इंटरेस्टिंग लगने लगता है। क्लेयर बॉक्स के बारे में जानने के लिए उसकी कुछ फोटोज भी क्लिक कर लेती है। लेकिन इसके कुछ ही टाइम बाद जब वो अपने डॉग मैक्स को ढूंढने लगती है तो उसे मैक्स कहीं पर भी नहीं मिलता। लेकिन जब वो अपने घर के बेसमेंट में देखती है तो यहाँ पर उसे मैक्स की डेड बॉडी मिलती है, जिसकी वजह से क्लेयर बहुत दुखी हो जाती है, क्योंकि ये डॉग उसकी मॉम ने उसे दिया था, जो एक तरह से उनकी आखिरी निशानी थी। खैर, अब डॉग को दफनाने के बाद अगले दिन क्लेयर स्कूल जाती है। यहाँ वो अपने चाइनीज टीचर से बॉक्स पर लिखी चीजों का मतलब पूछती है, मगर बॉक्स पर एंशियंट चाइनीज लिखी हुई होती है, जो टीचर भी अच्छे से समझ नहीं पाते। उनका कहना था कि इसे कोई स्कॉलर ही पढ़ सकता है। तभी वहाँ पर रायन नाम का लड़का आता है। वो उसे बताता है कि उसकी बहन को एंशियंट चाइनीज आती है, अगर क्लेयर चाहे तो वो उसकी इसमें मदद कर सकता है। लेकिन इसके बदले में वो क्लेयर को इनडायरेक्टली अपने साथ डेट पर चलने को कहता है। हालांकि रायन क्लेयर को बचपन से ही पसंद करता है, मगर क्लेयर उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और उसे मना कर यहाँ से चली जाती है। अब लंच टाइम में वो अपने दोस्तों के साथ बैठी होती है, जहाँ से वो पॉल नाम के लड़के को देख रही थी। वो स्कूल का सबसे हैंडसम लड़का था, मगर उसकी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड थी, जिस वजह से क्लेयर उसे देखने के अलावा ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकती थी। अब रात के वक्त क्लेयर बहुत अकेला महसूस कर रही होती है, क्योंकि उसके पास अब उसका डॉग भी नहीं था। वो सोशल मीडिया पर ऐसे ही पॉल की फोटोज देखने लगती है, जिसके बाद वो बॉक्स से एक विश मांगती है कि पॉल उसे पागलों की तरह प्यार करने लगे। और अगले ही दिन पॉल क्लेयर से बात करने के लिए आ जाता है, जो पहले उस पर ध्यान भी नहीं देता था। वो अब क्लेयर से डेस्परेटली बात करने की कोशिश कर रहा होता है, जिससे क्लेयर के मन में लट्टू फूटने लगते हैं और उसकी धड़कन भी तेज हो जाती है, क्योंकि पॉल उसे बहुत पसंद है और अब पॉल भी उसे पसंद करने लगता है। मगर जब क्लेयर शाम को घर वापस आती है तो उसके डैड उसे बताते हैं कि अंकल अगस्त की अचानक से मौत हो गई। पुलिस को उनकी लाश बाथटब में डूबी हुई मिली। इस बात से क्लेयर थोड़ी दुखी होती है और अपने कमरे में जा ही रही होती है कि तभी उसके डैड का भंगार उसके पैर पर लग जाता है, जिस वजह से क्लेयर उसके डैड पर चिल्लाने लगती है और उन्हें कहती है कि आप किसी काम के नहीं, आप कोई चीज नहीं बेच पाते, बस घर में भंगार जमा करते रहते हो। क्लेयर की ये बात उन्हें बहुत बुरी लगती है, मगर वो यहाँ पर क्लेयर को कुछ भी नहीं कहते। क्लेयर अब अपनी ऐसी लाइफ से तंग आ चुकी थी, इसीलिए वो अपने रूम में जाकर अपनी तीसरी विश मांगती है। वो कहती है कि अंकल अगस्त की सारी प्रॉपर्टी उसके नाम पर हो जाए। जिसके अगले ही दिन उसके डैड को एक कॉल आता है और उन्हें पता चलता है कि अंकल अगस्त ने अपनी सारी जायदाद का वारिस क्लेयर को ही चुना था, इसीलिए उनकी सारी प्रॉपर्टी अब क्लेयर के नाम पर हो चुकी है। ये बात उसके डैड के लिए बहुत शॉकिंग थी, क्योंकि अंकल अगस्त के साथ उनकी बिल्कुल भी नहीं बनती थी और उन्हें वो एक खड़ूस बुढ़ा ही लगता था। लेकिन क्लेयर अब इस बात से बहुत खुश होती है। क्लेयर मिसेस डेलुगा को अलविदा कहकर अपने नए घर में शिफ्ट हो जाती है। यहाँ पर वो अपने दोस्तों के साथ बहुत मजे करती है, ढेर सारी शॉपिंग करती है, पार्टी में जाती है और अपनी नई रिच लाइफ को बहुत इंजॉय करती है। अब रात के वक्त क्लेयर जब पेंटिंग बना रही होती है, तब उसकी नजर उस बॉक्स पर पड़ती है, जो अपने आप ही खुल जाता है और उसमें से एक अजीब सा म्यूजिक भी बजने लगता है। वही हमें मिसेज डेलुगा को दिखाया जाता है, जो अपने किचन में सिंक साफ कर रही होती है। लेकिन तभी उनके बाल सिंक में फंस जाते हैं और सिंक का कटर भी ऑन हो जाता है, जिससे उनकी बड़े ही रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है और इधर वो बॉक्स अपने आप ही बंद हो जाता है। यहाँ पर क्लेयर को कुछ समझ नहीं आता कि यहाँ पर क्या हुआ, लेकिन हम एज अ व्यूअर समझ जाते हैं कि क्लेयर जब भी कोई विश मांगती है तो उसकी विश पूरी करने के बदले में ये बॉक्स उसके किसी करीबी को मार देता है। खैर, तो अब अगले दिन स्कूल में पॉल उसकी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लेता है और क्लेयर को डेट पर जाने के लिए पूछता है, जिस पर क्लेयर भी अब थोड़ी इधर उधर की बातें करती है और उसे सोच कर बताएगी कह देती है
है, क्योंकि कल रात की वजह से क्लेयर थोड़ा परेशान थी उस बॉक्स को लेकर, क्योंकि इंटरनेट पर भी उसे उस बॉक्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी। और वो थक हार कर आखिर रायन से मदद मांग ही लेती है, जिसके बाद रायन क्लेयर को अपनी बहन के घर पर ले जाता है। यहाँ पर रायन की बहन का नाम जीना होता है। वो बॉक्स को देख कर उन्हें बताती है कि ये एक चाइनीज विश पॉट है जो चाइना में काफी आम होता है। साथ ही वो इस पर लिखी हुए नियमों के बारे में भी बताती है कि अगर इसके ओनर ने इसे फेंक दिया या किसी को बेच दिया तो सारी की सारी विशेष खत्म हो जाएगी, यानी कि सब पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा। बॉक्स पर एक नाम भी लिखा हुआ होता है, लू मे, जिसके बारे में जीना जब सर्च करती है तो उन्हें एक कहानी के बारे में पता चलता है। दरअसल ये कहानी है 1910 की, जब पूरे चाइना में बुबोनिक प्लेग फैला हुआ था और चाइना के लोगों ने लू मे और उसके परिवार को इस प्लेग का रोगी बताया। उन्होंने सबसे दूर एक ट्रेन के डिब्बे में उन्हें बंद करके रख दिया, जिस वजह से डिहाइड्रेशन, गर्मी और भूख के कारण लू मे के परिवार वाले मारे गए। लेकिन किसी तरह से लू मे वहाँ पर जिंदा बच गई, जिसके बाद उसने अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी को खाली छोड़ दिया और सिर्फ एक म्यूजिक बॉक्स लेकर वो एक मंदिर में जाकर बैठ गई और अपनी परिवार की मौत का बदला लेने के लिए प्रार्थना करने लगी। लगातार 7 दिनों तक प्रार्थना करने के बाद उसकी प्रार्थना एक याओगाई नाम के शैतान ने सुन ली। उस दिन के बाद से उसके सभी दुश्मन मारे गए और वो रातों रात अमीर बन गई। लेकिन 1922 में उसकी अचानक से मौत हो गई और इसके पीछे क्या रीजन था यह किसी को नहीं पता चला। वही जीना बॉक्स पर कुछ और भी नोटिस करती है। इस पर यह भी लिखा हुआ होता है कि जब म्यूजिक बजता है तो कुछ जरूर होता है, पर इसके बारे में जीना को ज्यादा नॉलेज नहीं होती, इसीलिए वो बॉक्स की कुछ फोटोज क्लिक कर लेती है और इन्हें बताती है कि उसके दोस्त माइक को इन सब के बारे में जरूर पता होगा, इसीलिए वो उससे पूछ कर इन्हें बता देगी कि इसका मतलब क्या है। जिसके बाद अब ये दोनों यहाँ से घर वापस जाने लगते हैं। लेकिन तभी रास्ते में क्लेयर अपने डैड को देखती है जो अभी भी वही काम कर रहे होते हैं। हालांकि वो यहाँ पर उनके दोस्त की मदद कर रहे थे, पर यहाँ पर क्लेयर का कहना था कि वो लोग अब अमीर है, उन्हें ऐसे काम करने की कोई जरूरत नहीं, और वो एक बार फिर से अपने डैड को डांट कर यहाँ से चली जाती है। मगर इस वक्त क्लेयर के साथ रायन होता है और उसने ये सब देख लिया था, जिससे क्लेयर अपने डैड को लेकर थोड़ी शर्मिंदा हो जाती है। और घर वापस आने पर सबसे पहले वो बॉक्स के सामने एक विश मांगती है। वो कहती है कि उसके डैड उसे इस तरह शर्मिंदा करना बंद कर दे और कोई अच्छा काम करे, और इसी के साथ बॉक्स उसकी इस विश को भी पूरा कर देता है। और अब उसके डैड एक म्यूजिशियन बन जाते हैं जो अब उसके दोस्तों को भी बहुत पसंद आने लगते हैं, जिससे क्लेयर भी अब बहुत खुश होती है। वही दूसरी ओर हमें जीना को दिखाया जाता है, उसे माइक ने बॉक्स पर लिखी चीजों का मतलब भेज दिया था जो काफी शॉकिंग था। लेकिन तभी एकदम से लाइट चली जाती है और मौसम भी खराब होने लगता है। जीना रायन को कॉल करती है पर उसका कॉल नहीं लग पाता, इसलिए उसे वो एक वॉइस नोट भेजने लगती है। लेकिन तभी उसका मोबाइल भी नीचे गिर जाता है और जब जीना घर के अंदर आती है तो उसका पैर एकदम से फिसल जाता है और उसके सर में एक स्टैचू का नुकीला पार्ट घुस जाता है, जिससे जीना की यहीं पर मौत हो जाती है। इसके अगले दिन रायन जब जीना के घर आता है तो यहाँ पर उसे जीना की डेड बॉडी मिलती है, जिससे वो एकदम से शॉक में चला जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि ये कैसे हुआ। वही इन सारी चीजों से दूर क्लेयर अब अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती है, लेकिन वो अब अपने बेस्ट फ्रेंड्स को भी इग्नोर करने लगी थी क्योंकि वो बस अपनी ही धुन में खोई हुई थी। और तभी वहाँ पर रायन आता है और क्लेयर को बॉक्स पर लिखी चीजों का मतलब बताता है जो उसने जीना के कंप्यूटर में देख लिया था। वो क्लेयर को बताता है कि ये बॉक्स अपनी हर एक विश के बदले में विश मांगने वाले के करीबी की जान लेकर उसकी कीमत वसूल करता है। साथ ही रायन क्लेयर से पूछता है कि क्या तुमने हाल ही में इससे कोई विश मांगी है क्या, और मांगी भी है तो तुमने कितनी विशेस मांगी है। यहाँ पर वो जीना की मौत के बारे में भी उसे बताता है क्योंकि उसे लग रहा था कि जीना की मौत इस बॉक्स की वजह से ही हुई है। पर यहाँ पर क्लेयर उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती और उसे अपनी विशेस के बारे में भी कुछ नहीं बताती क्योंकि वो अब अपनी लाइफ में बहुत खुश थी। मगर जीना की मौत के बारे में सुनकर वो अब थोड़ी परेशान सी हो गई थी, इसलिए वो यहाँ से चली जाती है। अब लंच के टाइम पॉल उसे अपने साथ बैठने को कहता है, जो बात क्लेयर के दोस्तों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और ना ही पॉल के दोस्तों को। पॉल की एक्स गर्लफ्रेंड क्लेयर का मजाक उड़ाकर यहाँ से चली जाती है और इसके साथ ही पॉल के सभी दोस्त भी यहाँ से उठकर चले जाते हैं क्योंकि वो लोग अभी भी क्लेयर को पसंद नहीं करते थे और जो लोग उसे पसंद किया करते थे उन्हें क्लेयर इग्नोर कर रही थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि क्लेयर के पास इतना सब कुछ होने के बाद भी वो खुश नहीं थी।
उसे एक और चीज चाहिए थी, सबसे वैलिडेशन। इसलिए वो घर आने के बाद सीधा बॉक्स से एक विश मांगती है। क्लेयर कहती है कि वो स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की बन जाए और बॉक्स उसकी इस विश को भी पूरा कर देता है। और इसके बाद अब पॉल उसे अपनी पार्टी में ले जाता है, जहाँ पर सभी के सभी लोग सिर्फ उन्हें ही देखने लगते हैं और क्लेयर की बहुत सारी तारीफ भी करने लगते हैं। यहाँ पर पार्टी के बाद पॉल क्लेयर को किस भी करता है, जिससे क्लेयर भी अब बहुत खुश होती है। वही जब एक रात क्लेयर सो रही होती है, तभी उसे एक सपना आता है जहाँ पर उसकी मॉम ने खुद को फांसी लगा ली थी, उनकी ही जगह पर वो खुद को देखती है। इस डरावने सपने से उसकी आंख खुल जाती है। तभी वो बाहर देखती है कि कोई उसकी फोटोस क्लिक कर रहा होता है। क्लेयर उसका पीछा करती है, मगर उसे यहाँ पर कोई नहीं दिखता। तभी उसकी आवाज से उसके डैड भी यहाँ पर आ जाते हैं। क्लेयर उन्हें बताती है कि कोई तो उसका पीछा कर रहा था। और तभी क्लेयर को रियलाइज होता है कि जब से वो बॉक्स उसे मिला है, तब से उसके साथ ऐसा ही हो रहा है, कोई तो उसका पीछा कर रहा है। यहाँ पर क्लेयर को लगता है कि कोई उसके बॉक्स को चुराना चाहता है, इसलिए वो उस बॉक्स को एक जगह में छुपा देती है। लेकिन कल रात के सपने की वजह से क्लेयर अब थोड़ी परेशान सी हो जाती है, इसलिए वो मिसेल डेलुगा से मिलने के लिए उनके घर पर आती है। यहाँ पर उसे पता नहीं होता कि उनकी बहुत दिनों पहले से ही मौत हो चुकी है, इसलिए उन्हें मरा हुआ देखकर क्लेयर बहुत घबरा जाती है। और इस दिन के पास से वो अब पहले से भी ज्यादा परेशान रहने लगती है। यहाँ पर क्लेयर के पास वो सब कुछ होता है जो उसने मांगा था, मगर वो फिर भी खुश नहीं होती। इसलिए वो वापस अपने दोस्तों से मिलती है और उसके बिहेवियर के लिए उन सबसे माफी भी मांगती है और उन्हें इस बॉक्स के बारे में भी बताने लगती है, जिस पर मेरेडिथ उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेती। उसका कहना था कि ये बस एक कोइंसिडेंट हो सकता है, बाकी कुछ भी नहीं। लेकिन जून कहती है कि तुम्हें बस इसे फेंक देना चाहिए, क्योंकि इससे लोगों की मौत हो रही है। क्लेयर को भी ऐसा ही करना सही लगता है, इसीलिए सबके जाने के बाद वो बॉक्स को फेंकने की कोशिश करती है, मगर वो अब जानती है कि ऐसा करने से उसकी लाइफ पहले जैसी हो जाएगी, उसकी सारी विशेष खत्म हो जाएगी, इसीलिए वो उस बॉक्स को फेंक नहीं पाती। और इसके बाद क्लेयर एक पार्टी में जाती है, जहाँ पर वो अपने दोस्तों के साथ होती है। तभी वहाँ पर पॉल आता है और उसे बाहर अपनी कार में ले जाता है। यहाँ पर दोनों किस करते हैं, मगर इस दौरान क्लेयर की नजर उसके फोन पर पड़ती है, जिसमें क्लेयर की बहुत सारी फोटोज होती है, यहाँ तक कि सोते वक्त की भी, जिससे क्लेयर समझ जाती है कि पॉल ही वो आदमी है जो उसका पीछा कर रहा था और उस दिन उसने पॉल को ही देखा था जो उसकी फोटोज क्लिक कर रहा था। अब पॉल की ये बात क्लेयर को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो हर जगह उसका पीछा कर रहा था, इसलिए क्लेयर पॉल से ब्रेकअप कर लेती है। पर यहाँ पर क्लेयर ये नहीं समझ पाती कि ये सब उसकी विश की वजह से ही हो रहा था, उसने ही कहा था कि पॉल उसे पागलों की तरह प्यार करने लगे। खैर, तो अब क्लेयर अपने दोस्तों के पास वापस जाती है, उसे यहाँ पर अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो कहीं पर घूमने के लिए निकल जाते हैं। क्लेयर की दोस्त मेरेडिथ अपने मोबाइल गेम के चक्कर में लिफ्ट से ऊपर जा रही होती है, मगर तभी उसकी लिफ्ट खराब हो जाती है और लिफ्ट ऊपर से सीधा नीचे गिरती है और मेरेडिथ की यहाँ पर मौत हो जाती है। ये देखकर क्लेयर और जून बहुत ही ज्यादा डर जाती है, मगर यहाँ पर जून इन सब के लिए क्लेयर को ही जिम्मेदार मानती है, क्योंकि उसकी विश की वजह से ही मेरेडिथ और बाकी लोगों की मौत हुई थी। जून ने उसे कहा था कि वो बॉक्स को फेंक दे, मगर क्लेयर ने ऐसा नहीं किया, इसलिए जून रोते हुए यहाँ से चली जाती है। हालांकि क्लेयर को अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था, मगर शायद इसमें अब थोड़ी देर हो चुकी। तभी वहाँ पर रायन आता है और उसे अपने साथ अपने घर पर ले जाता है। दरअसल जीना की मौत के बाद रायन ने उस बॉक्स के बारे में बहुत सारी रिसर्च करी होती है, जो अब वो क्लेयर को भी बताता है कि कैसे ये बॉक्स अब तक जिन भी लोगों के पास था, वो लोग रातों रात अमीर हो गए, उनकी लाइफ बदल गई, लेकिन इसी के साथ उनके करीबी लोगों की अचानक से मौतें भी होने लगी। रायन ये भी बताता है कि इस बॉक्स का पिछला ओनर क्लेयर के पुराने घर से थोड़े ही दूरी पर रहता था। साथ ही वो क्लेयर को इस पर लिखी एक वार्निंग के बारे में भी बताता है कि कैसे 7 विशेष पूरी होने पर यावगाई यानी कि वो शैतान विशेष मांगने वाले की जान ले लेता है, और यही उस बॉक्स की आखिरी कीमत होती है। ये बात सुनकर क्लेयर अब बहुत घबरा जाती है, क्योंकि उसने अब तक अपनी 5 विशेष को पूरा कर लिया था। इस बात से उसे बहुत अफसोस होता है, इसलिए वो रोने लगती है, क्योंकि अब रायन भी उस पर गुस्सा कर रहा था कि उसकी वजह से इतने सारे लोग मारे गए थे। लेकिन यहाँ पर क्लेयर अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेती है और रायन से मदद मांगती है, जिस पर दोनों उस बॉक्स को आग में जलाने का ट्राई करते हैं, पर कोई बात नहीं बनती। वो हैमर से उसे तोड़ने की भी कोशिश करते हैं, मगर इसका कोई फायदा नहीं होता। आखिर में कोई दूसरा रास्ता मिलने तक क्लेयर उसे वापस अपने घर में छुपा देती है। अब रात के वक्त
वक्त क्लेयर जब सो रही होती है तब एकदम से उसकी आंख खुल जाती है। वो अपने सामने पॉल को देखती है जो यहाँ पर क्लेयर को मनाने के लिए आया था, मगर क्लेयर उसे देखकर बहुत डर जाती है क्योंकि अब पॉल किसी साइको की तरह ही बातें करने लगा था। क्लेयर जब उसे कहती है कि वो उससे प्यार नहीं करती तो पॉल चाकू से अपना हाथ काट लेता है। उसका इतना खून बह जाता है कि क्लेयर के डैड को एम्बुलेंस भी बुलानी पड़ती है। अगले दिन रायन और क्लेयर उस बॉक्स को देखते हैं, लेकिन वो बॉक्स अपनी जगह से गायब हो चुका होता है। मगर इस बात से क्लेयर बहुत परेशान होने लगी थी क्योंकि उस बॉक्स के होने से वो बहुत स्पेशल फील करती थी। इस पर रायन उसे समझाता है कि वो बॉक्स गायब हुआ ये बहुत अच्छी बात हुई, इसलिए जो कुछ हुआ तुम उसे भूल जाओ और अपनी नई लाइफ में मूव ऑन करो। मगर अब उस बॉक्स के जाने की वजह से क्लेयर अब बिल्कुल भी खुश नहीं थी क्योंकि उसकी सारी विशेष अब पलट चुकी थी। उन्हें उनका बड़ा घर छोड़कर वापस से अपने पुराने घर में जाना पड़ता है और अब क्लेयर अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाती है, जिससे वो पहले जितनी खुश तो नहीं रह पाती क्योंकि अब वो कोई स्पेशल लड़की नहीं थी। इसलिए सभी उसके साथ वैसा ही बिहेव करते हैं जैसा पहले उसके साथ किया करते थे, लेकिन यहाँ पर वो अब अकेली पड़ चुकी थी क्योंकि अब उसका कोई भी दोस्त नहीं था, इसीलिए वो मेरेडिथ को बहुत मिस करती है। यहाँ पर क्लेयर जब जून से मिलती है तो उसे पता चलता है कि उस बॉक्स को जून नहीं चुराया था, वो अब उसके ही पास था। दरअसल उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो क्लेयर और बाकी लोगों को उस बॉक्स के जाल में फंसने से बचाना चाहती थी। जून को इस बात का डर था कि वो क्लेयर की विश की वजह से खुद ना मारे जाए, लेकिन ये बात पता चलने पर क्लेयर जून पर चिल्लाने लगती है क्योंकि उसे इस बॉक्स की अब आदत लग चुकी थी, उसका अब खुद पर कंट्रोल नहीं रहा था। वो जून से बॉक्स छीनने की कोशिश करती है जिसमें क्लेयर जून को धक्का दे देती है, जिस वजह से जून सीढ़ियों से नीचे गिरती है। तभी रायन भी वहां पर आ जाता है और क्लेयर पर चिल्लाने लगता है क्योंकि वो अब किसी की भी बात नहीं मान रही थी। रायन उस बॉक्स को फेंकने को कहता है मगर क्लेयर अब ऐसा नहीं करना चाहती थी। वो रायन को उसके रास्ते से हटने को कहती है और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो क्लेयर उसे कहती है कि एक और विश मांग कर वो रायन को मार देगी। ये बात सुनकर रायन चुपचाप उसके रास्ते से हट जाता है और क्लेयर बॉक्स लेकर अपने घर आती है। यहाँ पर वो बहुत सोचती है कि वो कोई भी विश नहीं मांगेगी, बस इस बॉक्स को अपने पास ही रखेगी, लेकिन वो विश मांगने से खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और यहाँ पर वो अपनी सिक्स्थ विश मांगती है। वो कहती है कि उसकी मॉम वापस आ जाए और इसी के साथ यहाँ पर उसकी ये विश भी पूरी हो जाती है। उसकी मॉम उसके पास वापस आ जाती है जिन्हें देखकर वो अब बहुत खुश होती है। आज क्लेयर का बर्थडे भी होता है इसलिए उसकी फैमिली मिलकर उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, जिससे क्लेयर को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब क्लेयर अपने रूम में होती है तब वो अपनी मॉम की बनाई हुई पेंटिंग्स को देखने लगती है। यहाँ पर उसे एक बॉक्स की पेंटिंग भी दिखती है और ये वही बॉक्स होता है जो उसके पास अभी है। और यहाँ पर क्लेयर को सारी की सारी बातें समझ में आ जाती है कि आखिर उसके मॉम ने खुद को फांसी क्यों लगा ली थी। दरअसल ये बॉक्स इससे पहले क्लेयर की मॉम के पास ही था, जिन्होंने अपने सारे विशेष मांगने के बाद इसे डस्टबिन में डाल दिया था और उसी दिन इस बॉक्स की वजह से उन्होंने खुद को फांसी लगा ली। और अब यहाँ पर क्लेयर को उसकी मॉम की डेथ के बारे में अब सारी बातें पता चल चुकी थी। तभी उसे बॉक्स के उसी म्यूजिक की आवाज सुनाई देती है। वो जाकर देखती है तो उसके डैड और उनके दोस्त बाहर एक पेड़ को काट रहे होते हैं। क्लेयर यहाँ पर समझ चुकी थी कि अब कुछ तो होने वाला है, इसीलिए वो जल्दी से बाहर उन्हें रोकने के लिए भागती है। मगर इतने में ही सीढ़ी हिलने की वजह से उसके डैड के दोस्त के हाथों से कटर फिसल जाता है और उसके डैड यहाँ पर कटर से मारे जाते हैं। क्लेयर को यहाँ पर अब कुछ भी समझ नहीं आता कि वो अब क्या करे, इसलिए वो पैनिक करते हुए अपने रूम में चली जाती है और यहाँ पर वो गुस्से में अपनी आखिरी विश को भी मांग लेती है। वो कहती है कि वो फिर से उसी टाइम में वापस जाना चाहती है जब उसके डैड ने उस बॉक्स को ढूंढा था। और यहाँ पर उसकी ये विश भी पूरी हो जाती है जो उसकी आखिरी और सातवीं विश थी। वो वापस से उसी टाइम में उठ जाती है। यहाँ पर अब उसके पास उसका डॉग भी होता है और उसके डैड भी, जिन्हें वो गले लगा लेती है। और अब वो बहुत खुश होती है क्योंकि अब सब पहले जैसा नॉर्मल हो चुका था और सभी लोग यहाँ पर जिंदा भी हो चुके थे। क्लेयर अब उसके डैड से पहले ही डस्टबिन में से उस बॉक्स को उठा लेती है और उसे लेकर स्कूल में चली जाती है। और यहाँ पर वो रायन से मिलती है और उसे वो बॉक्स देकर कहीं पर दफनाने को कहती है। रायन भी उसका ये काम करने के लिए मान जाता है, मगर यहाँ पर हम देख
देखते हैं कि क्लेयर अब उसे पसंद करने लगी थी, इसलिए वो उसे किस करके डेट पर जाने के लिए हाँ कर देती है। और अब यहाँ पर सब पहले जैसा नॉर्मल हो चुका था। क्लेयर के सभी दोस्त भी जिंदा हो चुके थे, जिस वजह से वो बहुत खुश होती है। मगर तभी डार्सी की कार क्लेयर को उड़ा देती है। उसका यहाँ पर एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें क्लेयर बहुत बुरी मौत मारी जाती है। दरअसल ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि क्लेयर ने अपनी 7वीं विश पूरी कर ली थी। सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल तो हो ही चुका था, मगर वो ये बात भूल गई थी कि आखिरी विश पूरी करने के बाद वो बॉक्स विश मांगने वाले को किसी भी हाल में मार ही देता है। और अब इसी के साथ ये मूवी यही पर एंड हो जाती है। लेकिन इस कहानी में आगे दिखाया जाता है कि रायन बॉक्स को दफना ही रहा होता है, तभी वो बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ पढ़ता है। बॉक्स पर लिखा होता है कि जिसके भी पास ये बॉक्स होगा उसकी 7 विशेष ये बॉक्स पूरी करेगा। और यहाँ पर अब वो टाइम होता है जिसमें रायन को बॉक्स के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए शायद अब आगे रायन उन्हीं गलतियों को दोहराएगा जो क्लेयर ने करी थी इस बॉक्स से विशेष मांगने की। और अब ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। जो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।